वेलकम टू अर्शीज कुकिंग रूम। आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ। ये एकदम क्रंची क्रिस्पी बनेंगी, लेकिन साथ ही साथ अंदर से काफ़ी सॉफ्ट भी रहेंगी। आप इन्हें टी टाइम पे सर्व कर लें, बच्चों के टिफ़िन में डाल दें, एंड चाहे तो एक महीने तक आप इन्हें स्टोर करके भी रख लें, ये बिल्कुल फ्रेश ही रहती हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टिक्कियों के लिए आटा गूंदना है, तो कोई भी बड़ा मिक्सिंग बोल ले लें या कोई थाल ले लें, और उसमें हम ऐड करेंगे मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। मैं सूजी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सूजी से बहुत ही सख्त यानी बहुत ही कड़क हो जाती हैं टिक्कियाँ। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई शुगर, खोपरे का बुर्रा जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं, सफ़ेद तिल, और ये है इलायची यानी पिसी हुई इलायची का पाउडर। इनको अच्छे से ज़रा मिक्स कर लेंगे, और फिर अब इसमें हम ऐड करेंगे घी। घी को मैंने हल्का सा गुनगुना गरम कर लिया था, और घी को हल्का सा वार्म करके ही आप इसमें यूज़ कर लें मेल्ट करके। अब मैदा वगैरह को हम अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में जो मिक्सिंग का स्टेप है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जितने अच्छे से मिक्स लेंगे और इसे गूंदेंगे, उतने ही अच्छी और उतनी ही खस्ता आपकी टिक्कियाँ बनेंगी। ये देखिए, इस तरीके से मसल मसल के आपको इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हल्का वार्म मिल्क यानी गुनगुना दूध। दूध ज़्यादा गर्म ना हो, लेकिन हल्का गुनगुना हो, रूम टेम्परेचर से हल्का वार्म। और जैसे हम नॉर्मली हमारा रोटी का आटा गूंदते हैं, उस तरीके से इसको गूंद लेंगे। लेकिन जो डो तैयार होगा उसे हमें हल्का सा सख्त रखना है, यानी थोड़ा हार्ड डो तैयार करना है। सो एक दो मिनट हम इसे अच्छे से मुक्कियाँ लगा कर यानी पंच लगा के इसे गूंद लेंगे, और जब ये उस पॉइंट पे पहुंच जाए कि आपको लगे कि अच्छा हार्ड है यानी काफ़ी सख्त है, तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ते। आप इस वक्त चाहें तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पिस्तों की बना रही हूँ तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिस्ते। बस बीच में से थोड़ा सा गैप कर लें, इसे दो पोर्शंस में डिवाइड कर लें, और फिर जो स्लाइस्ड पिस्ते रखे आप उन्हें इसमें ऐड कर लें, एंड वंस अगेन सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लें। पिस्तों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि वो इवनली स्प्रेड हो जाए, वरना वो एक ही जगह पे सब जमा हो जाएंगे। उसके बाद में हमने इसको कवर करके, कोई भी क्लिंग फिल्म से या लिड से आप कवर करके एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए साइड में रख लें, ताकि जो सूजी है उसे थोड़ा सा राइज होने को यानि फूलने के लिए टाइम मिल जाए। सो ये मैंने हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया था, और हमारा डो जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलें फिर अब इसे निकाल लेते हैं, और इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे इवनली सेट कर देते हैं फिर से एक बार, और इसे दो हिस्सों में काट लेंगे। मैं इसे दो हिस्सों में काट रही हूँ क्योंकि मैं इसका एक एक करके हिस्से के इसकी रोटियाँ बनाऊँगी, और आपको अगर तीन हिस्से करने हैं तो आप तीन हिस्से भी कर सकते हैं, जो आपको बेलने के लिए आसानी हो। तो इस तरीके के मैंने दो हिस्से कर लिए हैं, और इनको बेलने के लिए इनके दो बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब एक हिस्सा हम ले लेंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। हमें इसकी अच्छी सी थिक सी रोटी बेलनी है, तो पहले इसे हम इस तरीके से फैला लेंगे ताकि हमें बेलने में आसानी हो और इसमें क्रैक्स ना आए। एक बार ये ज़रा फैल जाए, फिर आप इसको बेलन से और थोड़ा सा फ्लैटन कर सकते हैं और इवनली इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो बस अब इस तरीके से हमें इसे बेल लेना है ताकि हमें जितनी इसकी थिकनेस चाहिए वो मिल जाए, और ये हर जगह से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसके बाद हमने जो टिक्कियाँ हैं उनको शेप में काट लेना है। तो कोई भी आप डब्बे का लिड हो या कोई कुकी कटर हो, आप बस उससे इस तरीके की गोल गोल टिक्कियाँ काट लें।
ठीक है, उनको फिर धीरे है हल्के हाथ से निकाल के एक प्लेट में रख लें, लेकिन प्लेट पे हल्का सा सूखा सा मैदे का आटा पहले डाल लें। ये देखें मैंने काट के निकाल ली हैं, और इस तरीके की बस यही साइज और यही थिकनेस की टिक्कियाँ हमने काट के निकाल लेनी है। अगर आपके पास कोई कुकी कटर्स के दूसरे शेप्स हैं, स्टार्स फ्लावर्स, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके के स्टार्स के भी काट लिए थे, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इस तरीके की चीज़ें देखकर, और फिर वो मज़े से खा भी लेते हैं। ये हमारी बड़ों के लिए राउंड टिकिया कट करके मैंने रेडी कर ली हैं, और साथ ही साथ बच्चों के लिए स्टार्स, मून्स और छोटे छोटे फ्लावर्स के शेप में भी काट लिए थे। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इनको फ्राई करना। अब यहाँ पे मैंने घी को गरम कर लिया है, मैं यहाँ घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीठा घी में ज़्यादा बेटर टेस्ट करता है। सो जो घी है वो अभी रेडी है, बहुत ज़्यादा ओवर हीट भी नहीं करना है, बस जस्ट द राइट टेम्परेचर फ्राइंग, और फिर गैस की फ्लेम को स्लो यानी सिम से मीडियम पे रख के हमने इनको फ्राई करना है। ये बिल्कुल भी आपको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करनी है, स्लो टू मीडियम पे ही फ्राई करनी है, वरना ये टूट जाएंगी। बिसाइड्स इनका ये भी प्रॉब्लम है कि ये ऊपर से बहुत ब्राउन हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो आपने फ्राइंग के टाइम बहुत ध्यान करना है। पहले एक तरफ हम इसे राउंड 4 to 5 मिनट्स होने देंगे, अंदाजे से आप देख लें, चेक कर लें हल्के हाथ से कि आपको लगे कि ये नीचे का साइड हो चुका है, तो धीरे से उसे टर्न ओवर करने, वरना उसको और 1-2 मिनट होने दें। इनको ज़रा टाइम लगता है, तो आपको ज़रा पेशेंटली इनको फ्राई करना पड़ेगा। सो ये अब दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं और अंदर से भी पक चुकी हैं, तो बस मैं अब इन्हें निकाल लूँगी। आप इनको एक अच्छे सेट अब्सॉर्बेंट टिश्यू पे निकाल लें, एंड दैट्स इट, आप थोड़ी देर के बाद इनको सर्व कर लें। सो ये देखें, ऊपर से एकदम क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, हमारी पिस्ते से लोडेड मीठी टिक्कियाँ रेडी टू बी सर्व्ड। इन्हें आप गर्मा गर्म इंजॉय करें, या टी टाइम स्नैक में यूज़ करें, स्टोर कर लें, 1 महीने तक आराम से ये फ्रेश रहती हैं, और चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में भी इसे भेज दें। सो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, इसे आप शेयर करें एंड लाइक करें, एंड ऑफ कोर्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।